100% लीड नहीं। राजेंद्र बाबू मोर बासा को लाभ करे
एक्चुअली जो मैंने सी फोर कॉग्रेस सी फोर सीपीएम कारण पक एक ही राशि पचीस बसर एजे कुपनी बालूबासा तब स्राई स्राई अंका सीपीएम कॉग्रेस पुरुआ कॉग्रेस सीपीएम पुरुआ डेट मीन अब एम साहेब साका जो तीन पार्टी लार्जेस्ट पार्टी अंका बीजेपी आईपीएफटी मध्य प्रदेश तीप्रा मथा जो तीन पार्टी तब ए बसकान जे लोकसभा दिन थालका बखाग्री छब्बीस तारीख चीनी चौमारी अंगा और चौमारी चीनी और रायमाबिली सत्तरता पोलिंग स्टेशन दो जो ओ जगह मार्जिन जय खाई कारण बड़क तीन हजार एसपेक्ट खेमालियां जेबाबे और हजार हजार तीन बड़क खाइगा लामा तीन तक तेतीस के वि प्राय दिन देर किलोमीटर अब बड़क खुद दुटा लाइन अब हाय बड़क तक बाजार बसुक ओ बड़क तीन जतन तीप्रा मथा बीजेपी आईपीएफटी चीनी लोकसभा पूर्व लोकसभा जे कैंडिडेट कीर्ति सिंह देव बर्मान समर्थने जनसभा उठना मानी अब बारे निश्चित समय से अपेक्षा हम ओके ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ में मेरे आईटीएफटी के लोग हैं, प्रेम साधन को मैं पहले से जानता हूँ। प्रेम साधन, जब मैं वहां से यहाँ आया ना, तो आपको या आपके एमएलए को मेरा सीट लेना चाहिए। आज मेरा पार्टी थोड़ा आईटीएफटी से बड़ा है, एक दिन मैं छोटा था, कल मैं फिर से छोटा हो सकता हूँ। लेकिन प्रेम, मैं आपको अश्वर करना चाहता हूँ, I love you because I don't care about party. I care about Tipra Sal Dotha. Revati, एक दिन हम लोगों को भांगू ही खाना पड़ेगा, चाकू ही खाना पड़ेगा, बैरमा बुद्धि खाएंगे, हाँ नहीं और खाना पड़ेगा, और चाय से कुछ नहीं हो रहा है, चौकी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। और जितना जल्दी हम लोग ये चीज दिल से निकाल देना, हम लोग दोनों मिलके दोहा के लिए काम कर सकते हैं। जितना जल्दी ये निकाल दे उतना अच्छा है। जगदीश बाबू, विप्लव जी, यहां में मेरा प्रतिराम त्रिपुरा है, यहां में हमारा सभापति है राजेश धनंजय, आप लोग वहां में धूप में है लेकिन ग्राउंड में है अपने लोगों के साथ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू माई पीपल। अपने बीच में ये मत देखो कौन बीजेपी है, कौन आईपीएफटी है, कौन मोहता है। ये देखो कि हम लोग अगले दो तीन साल में अपने लोगों को, कोई भी हो, सीपीएम का भी हो, पहले अपने लोगों को मिलकर एक साथ होकर अपने लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग अकेले इंडिविजुअली हमने फाइट किया, कुछ नहीं मिलेगा। एक साथ होकर बंगाली, पीपरासा, चाकमा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, एक साथ मिलकर हमने काम किया तो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। लेकिन अगर हमने काम नहीं किया तो त्रिपुरा सा गरीब रहेगा, हमारा बच्चा लोग गरीब रहेगा। मैं चाहता हूं कि आज मैं देखता हूं अगर तला में ड्राइवर त्रिपुरा सा है, पीछे कोई और बैठा है, मैं चाहता हूं कि एक दिन पीछे तीपरा सा मालिक बन के बैठे और ड्राइविंग कोई और करे। ये मेरा सपना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उठे। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स को भी छोड़कर आपके पास पीने का पानी हो। मुख्यमंत्री जी, जब आप थे, आपने गलत दिशा में, भगीरथ में, रईसा भारी में, चाकमा घाट में बहुत काम किया, लेकिन आज भी कोई कोई जगह है जहां में पांच पांच किलोमीटर चलना पड़ता है पानी पीने के। हमें एक होकर काम करना है। लास्ट में आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, एवरी वन ऑफ यू, आप कोई भी हो, मैं आपको एक बात दिल से बोलना चाहता हूं, आई लव यू। Do you love me? Yes, yes, sir.
नो कौन नो बोलता है आई लव यू अगर आप नहीं प्यार करते रेवती आई लव यू आई बोल दिया आई लव यू देखा आई लव यू टू भी बोल दिया आई लव यू थ्री हो गया आई लव यू और जिंदगी में ये तीन शब्द बोलने से किसी का जेब खाली नहीं होता किसी को प्यार करने से आप गरीब नहीं होता आपका जिंदगी और अच्छा होता हंसो और उनको रुलाओ जो सीपीएम पार्टी जिसने हमको वंचित रखा आज दुख लगता है कि मेरा दोस्त राहुल गांधी केरला में सीपीएम के अगेंस्ट फाइट कर रहा है प्रियंका गांधी केरला में जाकर सीपीएम के अगेंस्ट प्रचार कर रहा है सीपीएम का मुख्यमंत्री केरला में राहुल गांधी को पप्पू बुला रहा है और यहां में कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा सीपीएम पार्टी को तीन सीट बचाने के लिए कैलाश शहर बनमालीपुर रगड़तला को बचाने के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी को सीपीएम को बेच दिया क्योंकि तीन लोगों को अपना सीट बचाना था यही कांग्रेस पार्टी के लिए आईएनपीटी का लोग टीयूजेएस के लोग आईपीएससी के लोग बीजेपी के लोग क्योंकि हमने सीपीएम को वोट नहीं किया हमने कांग्रेस आईपीएससी आईएनपीटी टीयूजेएस को वोट किया यही लोगों ने हमको नौकरी नहीं दिया यही लोगों ने हमारा वर्कर्स को मारा आज सुदीप राय बर्मन बोलता है कि महाराणा बीजेपी को कैसा सपोर्ट कर रहा है मैं पूछना चाहता हूं कि आज माननीय सरकार कांग्रेस को क्यों वोट कर रहा है और दिलजीत सिन्हा सीपीएम को क्यों वोट कर रहा है जब 20 साल तक आपने फाइट किया था मतलब आपने पहले से अंडरस्टैंडिंग किया था हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट वही दे सकता है जो दिल्ली में है और दिल्ली में आज मोदी जी का सरकार बन रहा है ये बात पक्का है तो जो लोगों को सीपीएम में वोट करके अपना वोट नष्ट करना है एक बार अपने बच्चे के बारे सोचो एक बार अपने बारे सोचो सीपीएम ने आपको गरीबी भूख दिया और आज तीव्रा मोठा आईपीएससी बीजेपी आपको बच्चे को एक भविष्य देने के बारे में बात कर रहा है ये आपको डिसाइड करना है मैं अपनी बहन के लिए वोट नहीं मांगूंगा नहीं मांगना है क्योंकि आप लोग समझदार हैं मैं आपका समझदारी को इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं आप लोग जानते हैं कौन काम करेगा और कौन ठोकाई करेगा तो मैं यही बोलकर अपने बड़े भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर इनको इसके बाद दिल्ली जाना है लेकिन उनका बात सुनिए आप क्योंकि वो जो भी बोलते हैं ना दिल से बोलते हैं और आज त्रिपुरा को एक चाणक्य नहीं एक बड़ा दिल वाला लीडर चाहिए और वो हमारा एमपी और नेक्स्ट मिनिस्टर बिप्लब देव जी बनेंगे मैं आपको ये बोलने वाला यही मैं बोलकर 26 तारीख को आप लोग जल्दी से जल्दी निकलिए वॉरियर्स आई वॉन्ट टू सी यू ऑल इन योर बूथ मैं इलेक्शन के बाद हर बूथ पे देखूंगा क्या मीनिंग है कहां में हमने क्या किया कहां में खराब था और जिसने काम किया मैं उनको रिवॉर्ड दूंगा और जिसने सीपीएम के नाम में मथा का झंडा लेकर 5 साल प्रोटेक्शन लिया